हेलो नमस्कार जी। बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 58 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं का इंतजार था भाई यूपी बोर्ड के रिजल्ट का। भाई जी आपको मैं बता दूं, जितने भी विद्यार्थियों ने परीक्षा दे रखी है और रिजल्ट्स का इंतजार है, वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, 4 मार्च को UPMSP की परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही विद्यार्थियों के मन में एक ही सवाल था कि रिजल्ट कब तक जारी होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 18 मार्च से ही लगातार कॉपियों का मूल्यांकन करवाया और आपकी जो कॉपियों का मूल्यांकन है वो संपन्न हो चुका था 31 मार्च को ही। जी हाँ, उसके बाद से लगातार रिजल्ट्स पर काम किया जा रहा है। जी हाँ, लगातार आपके रिजल्ट्स पर काम किया जा रहा है। वहीं आपको मैं बता दूं, इस बार जो आपकी मार्कशीट है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, 12th की जो मार्कशीट है यानी कि इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है उसमें अपडेट ऑफ बर्थ भी जारी की जाएगी। वहीं आपको मैं बता दूं, रिजल्ट्स के 3 दिन पहले ही टॉपरों की जो लिस्ट है वो भी UPMSP जारी कर देगा। या 3 दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन टॉपर है, उनके पास कॉल की जाएगी, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वहीं आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जितने विद्यार्थी हैं यानी कि तकरीबन 2 लाख से 3 लाख ऐसे विद्यार्थी रहने वाले हैं जो कि इस बार मेरिट में रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है भाई। कॉपी चेकिंग करने वाले अध्यापकों से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो वहां से पता चला है कि आपकी जो रिजल्ट्स है बहुत ही अच्छा यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से आ रहा है। भाई आपको बता दें कि पिछले तकरीबन 4 साल का रिकॉर्ड इस बार UPMSP तोड़ेगा। तकरीबन 90% रिजल्ट आने की उम्मीद है और आपका जो रिजल्ट है 28 अप्रैल से पहले UPMSP जारी करने की फिराक में। उम्मीद जताई जा रही है 25 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।